दोस्तों, यदि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जा रहे हैं और कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ओला S1 लें या एथर 450X, ये समझ नहीं आ रहा है कि ओला S1 हमारे लिए फ़ायदेमंद है या 450X हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इस वीडियो में मैंने दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपेयर किया है। बहुत ही बारीकी तरीके से हर चीज़ को मैंने बताया है, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए प्रॉफिटेबल है। और लास्ट में मैंने बहुत ही खास चीज़ को कंपेयर किया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैक मोटो ब्लॉग में। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस के बारे में। तो एथर 450X का प्राइस 1.35 लाख है, लगभग 1,35,000 के आसपास इसकी प्राइस है, और इसमें RTO की रजिस्ट्रेशन फीस भी यदि जोड़ देते हैं तो 1,50,000 के आसपास इसकी प्राइस हो जाती है। ओला S1 की जो प्राइस है वो 1 लाख है। यदि बजट के हिसाब से इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेना चाहते हैं तो ओला S1 यहाँ पर सस्ती दिख रही है, ओला S1 आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगे हुए बैटरी के बारे में। बैटरी कितना समय लेती है चार्ज होने में, फास्ट चार्जिंग में कितना समय लगता है, और एक बार चार्ज होने में कितने रुपये का खर्च आता है। एथर 450X में लिथियम आयन की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। 3.7 किलोवाट की बैटरी है। बैटरी को चार्ज होने में 5.4 आवर का समय लगता है, यानी 5 घंटे 40 मिनट का समय लगता है, और 100% चार्ज होने के बाद 105 किलोमीटर का यह मैक्सिमम रेंज देती है। खर्च की बात करें तो इस पे 3.7 यूनिट का खर्च आता है। यदि आपके एरिया में 8 रुपये यूनिट चार्ज किया जाता है तो लगभग 30 रुपीज़ के आसपास इस पे खर्च आने वाला है 100% चार्ज होने के लिए। और फास्ट चार्जिंग मेथड से इसे चार्ज करते हैं तो 10 मिनट के अंदर ये 15 किलोमीटर की रेंज देती है। यानी यदि आप इमरजेंसी में कहीं फंस जाते हैं और आपके आसपास फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पर आप 10 मिनट चार्ज करिए, 15 किलोमीटर आपको आसान तरीके से पहुँचा देगी। ओला S1 की बात करें तो इसमें 3 किलोवाट की बैटरी का इस्तेमाल किया गया, 5 घंटे का समय लगता है 100% चार्ज होने में, 3 यूनिट का खर्च आता है, लगभग 24 रुपीज़ इस पर खर्च आने वाला है, और एक बार 100% चार्ज होने के बाद 128 किलोमीटर का यह मैक्सिमम रेंज देती है। और फास्ट चार्जिंग मेथड से इसे जब चार्ज करते हैं, इसके पावर स्टेशन पर ले जाकर इसे चार्ज करते हैं, तो केवल 18 मिनट के अंदर ये 50% चार्ज हो जाती है, और 18 मिनट के अंदर जब ये 50% चार्ज हो जाती है तो 75 किलोमीटर का ये रेंज देती है केवल 18 मिनट के अंदर। यदि आप इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को बैटरी के हिसाब से लेना चाहते हैं तो ओला S1 यहाँ पर बेहतर है, ओला S1 को आप ले सकते हैं। अब हम दोनों के मोटर को कंपेयर कर लेते हैं। तो एथर 450X में जो लगा हुआ मोटर है वो 6 किलोवाट का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, 6 किलोवाट का मैक्सिमम पीक देता है, और जो नॉमिनल पीक होता है वो 3.3 किलोवाट का होता है। जो इसका टॉर्क होता है वो 26 Nm के आसपास होता है। ओला की वहीं पर बात करें तो ओला में जो लगा हुआ मोटर है वो 8.5 किलोवाट का मैक्सिमम पीक देता है, और जो इसका नॉमिनल पीक होता है वो 5.5 के आसपास होता है। एथर 450X की जो टॉप स्पीड है वो 80 से लेकर 85 किलोमीटर पर आवर है, और ओला S1 की जो टॉप स्पीड है वो 95 किलोमीटर के आसपास है। यदि स्पीड के हिसाब से कंपेयर करके इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेना चाहते हैं तो ओला S1 यहाँ पर बेहतर दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के लुक के बारे में। तो इन दोनों का लुक आप देख सकते हैं, एथर 450X पूरी तरह से स्पोर्टी मॉडल की तरह दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल एक स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह है, स्पोर्टी बाइक की तरह भी आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको स्पोर्टी नज़र आएगा। लेकिन वहीं पर ओला S1 को देखते हैं तो ये क्यूट सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है और देखने में काफ़ी प्यारा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अगर लुक के हिसाब से आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद होता है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के एडवांस फीचर के बारे में। तो एथर 450X में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ आता है, जो 1.3 GHz का प्रोसेसर है। इसमें 16 GB का आपको रैम देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह से आपको 4G कनेक्टिविटीज़ के साथ आती है, 3G कनेक्टिविटीज़ के साथ भी आती है। इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगी, वाईफाई कनेक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। इसमें आपको फ़ोन लगाने का भी सिस्टम देखने को मिलेगा, और इसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, और ट्रैकिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिल रहा है। ओला S1 की बात करें तो इसमें भी आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें MoveOS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, दीपावली तक इसे अपग्रेड करके MoveOS 3 कर दिया जाएगा। इसमें भी आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, और ये जो
डिस्प्ले है ये भी आपको 4G कनेक्टिविटी के साथ आता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगे हुए लाइट्स के बारे में। तो इधर 450X के बीच में आपको LED लाइट देखने को मिलती है और जो टेल में लाइट लगी है वो भी आपको LED में देखने को मिलती है। जो टर्न सिग्नल लैंप लगाए गए हैं वो भी आपको LED में देखने को मिलते हैं। यदि ओला S1 की बात करें, ओला S1 में जो आपको हेड में जो लाइट लगाई गई है वो LED में देखने को मिलती है, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। टेल में भी जो आपको लाइट मिलेगी वो अभी आपको LED में मिलेगी। जितनी भी सारी इसमें लाइट्स लगाई गई हैं आपको LED में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसमें लगे हुए टायर्स के बारे में। तो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया गया है और दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में। एथर 450S के सीट के नीचे आपको 22 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है और वहीं पर ओला S1 में आपको 36 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। इन दोनों बूट स्पेस में आप आसान तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आप सब्जी वगैरह रख सकते हैं, चाहे तो आप जितने भी सारे सामान आप खरीद कर लाना चाहते हैं मार्केट से वो आसान तरीके से रख सकते हैं। इधर 450X में आप एक से दो हेलमेट रख सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ वाला ही रख सकते हैं। लेकिन ओला S1 का जो बूट स्पेस है उसमें आप दो हेलमेट बहुत ही आसान तरीके से रख सकते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर पे कंपनी के द्वारा दिए गए वारंटी की बात करें तो इधर 450X पे आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिलती है और 30,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलती है। वहीं पर हम ओला S1 की बात करें तो ओला S1 पे पहले 3 साल की वारंटी देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो बढ़ाकर 5 साल की वारंटी कर दी गई है। तो वारंटी में इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला S1 हमें बेहतर देखने को मिल रहा है। अब मेरे हिसाब से यदि आप पूछना चाहते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है, तो एथर 450X बेहतर है। भले उसका जो प्राइस वो अधिक है और कहीं कहीं पर वो ओला S1 से बहुत ही नीचे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रस्टेड है इसलिए क्योंकि ये कई सालों से इंडिया में है और ओला S1 अभी वो नई कंपनी है और कई सारी शिकायतें इसमें देखने को मिली हैं। और एथर 450X की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही पुरानी है जो भारत में चल रही है। एथर 450X मेरे हिसाब से बेहतर है। आपको जो भी इच्छा हो आप इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से ले सकते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको बेहतर लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा।